हेलो दोस्तों, आपने अगर हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, मतलब कोई इश्यू रेज किया है और उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो कैसे जान सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा, कैसे आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी हम फिर अपना लैपटॉप में के अंदर चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है। आप ये काम अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी गूगल क्रोम खोल के कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हूँ, मोबाइल में भी आप गूगल ओपन कर लीजिए और फिर एक वेबसाइट सर्च कीजिए, www.covin.gov.in, ये वेबसाइट को सर्च कर दीजिए। जैसे ये वेबसाइट सर्च करेगा, इसका सर्च रिजल्ट आ जाएगा, तो इनमें से जो पहला सर्च रिजल्ट COWIN कोविन, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको कोविन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलेगा। तो इस पेज में आपको एक चीज नजर आएगा, एक ऑप्शन नजर आएगा, रजिस्टर ऑब्लिक साइन इन, क्योंकि हमारे को अपना अकाउंट में लॉगिन होना है जो वैक्सीनेशन अकाउंट है उसमें, तो इसलिए लॉगिन ऑब्लिक साइन इन के ऊपर हमको क्लिक करना होगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस जगह पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जो मोबाइल नंबर आपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा और फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। हम अभी वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ, फिर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक ओटीपी आपका मोबाइल में चला जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पे डालना होगा, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जो ओटीपी आएगा आपको वो ओटीपी जो है 180 सेकंड के अंदर अंदर डालना होगा, नहीं तो वो ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले पहले ओटीपी डाल लीजिए। मैं अभी ओटीपी डाल चुका हूँ, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, हम अपना वैक्सीनेशन का अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अगर आपने पहले ही आपका सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है ऑनलाइन, तो ऐसे एक ऑप्शन नजर आएगा, ट्रैक रिक्वेस्ट, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हमने इससे पहले जो रेज इशू, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक इशू रेज किया था, मतलब अपना सर्टिफिकेट करेक्शन का इशू रेज किया था, तो अभी उसको ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रैक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अपना स्टेटस है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेफरल आईडी है मेरा, जो रिक्वेस्ट है उसका रेफरल आईडी है, मेरा नाम है यहाँ पे, और सर्टिफिकेट करेक्शन इश्यू किया था, सर्टिफिकेट करेक्शन था मेरा, और इसमें एक चीज क्लियरली लिखा हुआ है, आपका जो सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर द मेंबर, मेरा नाम हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, काइंडली डाउनलोड योर सर्टिफिकेट नाउ। आप अभी अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है पहले ही कि आपका सर्टिफिकेट जो है अपडेट हो चुका है। 2 दिन लगा है ये काम होने में, आप लोगों के साथ कितना टाइम लगता है वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, इस इश्यू के बारे में कोई बात करना है, तो आप इस नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं, ये टेक्निकल टीम का नंबर है, इस नंबर पे बात करके आपका इश्यू बता सकते हैं। फिर आप अभी अपना नया सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए सर्टिफिकेट ऑप्शन है, इस सर्टिफिकेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपका जो नया सर्टिफिकेट है, जो करेक्टेड सर्टिफिकेट है, वो आपका अकाउंट में, आपका लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हूँ और न्यू सर्टिफिकेट एक नाम देता हूँ और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का करेक्शन का जो स्टेटस है जान सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ऑनलाइन करेक्शन का जो स्टेटस है वो जान सकते हैं, उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।